और ड्रोन से देखता हूँ कि क्या हालत है ग्राउंड की, ग्राउंड क्या प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। इधर तुम, हम इधर पिट्ठू गरम खेल सकते हैं आप, ठीक है। Where are you from? I'm from Nepal. Nepal. ये देखो जूस टपक रहा है, ओए होए होए होए, बड़ा मजेदार होता है। Assalamualaikum and welcome to a brand new episode of my vlog. आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जाऊंगा उस स्टेडियम में जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का T20 मैच होने वाला है, तकरीबन 8 हफ्ते में होने वाला है। अच्छा, वैसे तो वो स्टेडियम जो है वो जो बन रहा है वो न्यूयॉर्क सिटी से थोड़ा सा बाहर है, वो लॉन्ग आइलैंड में है। तो जाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि आपको सिटी के थ्रू गुजरना पड़ता है, सिटी के थ्रू जब आप गुजरते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। मैं यहाँ से जाऊँगा क्योंकि मैं न्यूजर्सी में रहता हूँ, मैं यहाँ से जाऊँगा तकरीबन 2 घंटे मुझे लगेंगे, 2 घंटे कुछ मिनट, और मैं यहाँ से जाऊँगा स्टेटन आइलैंड के थ्रू। फिर आपको वो स्टेडियम दिखाऊंगा। मुझे देखने का बड़ा शौक है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो टिकट है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, और उसका रैफल निकलना था वो हमें नहीं मिला। अब रैफल में हमारा नाम नहीं निकला, यानी कि कुरानदाजी में, तो अब हमें मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। सुनने में यह आया कि मार्केट में वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो अभी तो इस वक्त मेरे हाथ में वैसे कूड़ा है और कूड़े को मैं डालूँगा ड्रम में। मुझे पता है पाकिस्तान में तो कूड़े का कोई सिस्टम नहीं होता ना, वो कूड़ा लोग बाहर फेंक देते हैं। यहाँ पे ये होता है कि कूड़ा जो हमारा होता है ना उसको हम इस तरह के ड्रम में डालते हैं। अच्छा, अब जो कूड़े का जो ड्रम होता है ना उसको आप यूँ करते हैं कि आप इसको ड्रैग करके अपने घर के बाहर रख देते हैं, और घर के बाहर रख देते हैं और वहाँ से फिर हर सुबह जो है ना वो वाले आते हैं, कूड़ा उठाने वाले आते हैं और वो उसको ले जाते हैं। ये पेड होता है, ये फ्री में नहीं होता। पाकिस्तान में तो कूड़ा बाहर फेंक देते हैं ना, यहाँ पे इस तरह का सिस्टम है कि कूड़ा घर में नहीं होता, और इसलिए यहाँ पे हर जगह पे आपको सफाई नज़र आती है। तो आइए चलते हैं न्यूयॉर्क के क्रिकेट स्टेडियम की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो तैयार हुआ भी है या नहीं हुआ। पहला मैच तो मेरे ख्याल से 6 हफ्ते के अंदर अंदर है, देखते हैं चले। और स्टेडियम के बाद मैं आपको न्यूयॉर्क का खापा भी दिखाऊंगा, मेरा फेवरेट बर्गर जॉइंट है वहाँ पे हलाल, वो आपको दिखाऊंगा, आउटस्टैंडिंग बर्गर है उनके। तो आइए चलते हैं। जब हाईवे पे मैं इसलिए रुक गया हूँ कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरे पीछे आपको नजर आना है इस तरफ। ये एक्चुअली एक छोटा सा पहाड़ है, थोड़ा सा मैं कैमरा और घुमाऊँ आयतुल कुर्सी साइड पे करूँ यार, ये जो पीछे थोड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है, ठीक है, ये पहाड़ नहीं है एक्चुअली, ये है लैंडफिल। अब पाकिस्तान और इंडिया में इस चीज़ का रिवाज नहीं है, इंडिया का तो मुझे नहीं पता लेकिन पाकिस्तान में इसका कोई रिवाज नहीं है। होता यह है कि जो घर का गंद होता है ना सारा, जो ट्रैश होता है, तो वो ये लोग क्या करते हैं, ये उसको लैंडफिल में डालते हैं। वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था किस तरह के यहाँ के लोग अपना गार्बेज ड्रम्स में डालते हैं, फिर उसको ट्रक्स के जरिए फिर गार्बेज वाले उठाकर ले जाते हैं, वो उसको यहाँ इस वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी में लाते हैं और फिर इसकी छांटी होती है। जो रिसाइकलेबल चीजें होती हैं उसको अलग कर देते हैं, जैसे कि कोक या पेप्सी के टिन, और जिसको ये जला सकते हैं उसको भी अलग कर दिया जाता है, और जिसका कुछ भी नहीं हो सकता उसको ये साथ वाले लैंडफिल के पहाड़ पर ले जाते हैं जहां पर ट्रकों और बुलडोजर से उनको दबा दिया जाता है, और उस पर मिट्टी डालकर उसके पे ग्रास या दरख्त उगा दिए जाते हैं ताकि कूड़ा दबा रहे और जगह भी खूबसूरत रहे। अब कचरे में जिस चीज को जलाया जा सकता है उसको ये जलाकर उससे बिजली या इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, और ये कचरा एमईए नहीं जलाया जाता बल्कि इसके जलने से जो जहरीला धुआं पैदा होता है उस धुएं को पहले ये ट्रीट करके बेजरर बनाते हैं और फिर फिजा में छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। और यूं ना सिर्फ ये घर साफ रखते हैं इस तरह से बल्कि उस कचरे को करामत भी बनाते हैं। अच्छा, न्यू जर्सी से निकले हुए हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया और 1 घंटे की ड्राइव अभी रहती है, और इस वक्त हम पहुंच गए हैं स्टेटन आइलैंड। स्टेटन आइलैंड है एक्चुअली न्यूयॉर्क, और जो सामने आपको ब्रिज नज़र आ रहा है इसको कहते हैं वेरिजोना ब्रिज, और ये कनेक्ट करता है स्टेटन आइलैंड को ब्रुकलिन के साथ, यही मशहूर ज़माना ब्रुकलिन, जी हाँ ये उसको कनेक्ट करता है। ये ब्रिज बड़ा ही मस्त ब्रिज है यार, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, और यहाँ से जो मंजर नज़र आता है। लेकिन एक बात आप अगर नोट करें ना, इसके सतूनों के पास अगर हम करीब होंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसके जो सतून है उस पर जंग लगा हुआ है, सतून या दीवार है जो मर्जी आप उसको कहें, जंग लगा हुआ है।
यही बात तो मुझे समझ नहीं आती ना कि अमेरिकन की प्रायोरिटीज कहाँ पे है। दुनिया भर में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जंगें करते फिर रहे हैं और ब्रिजेस का हाल देखो इनका। अच्छा, जिस तरफ इस वक्त कैमरा है ये अटलांटिक ओशन है, और अभी जिस घूम के जा रहा हूँ तो वो जो दूर आपको नजर आ रहा है ना, वो एक्चुअली वो न्यूयॉर्क सिटी है। सिटी जी हाँ, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहाँ पे है, जहाँ पे वो मैनहट्टन है, ये वो है। एक्चुअली तो वैसे तो ब्रुकलिन और स्टेटन आइलैंड भी न्यूयॉर्क सिटी है, लेकिन वो और जो सीधा सीधा जो है ना, सीधा जिस तरफ हम जा रहे हैं ये एक्चुअली ब्रुकलिन है। ब्रुकलिन वो जगह है जहाँ पे वो लिटिल पाकिस्तान है, जहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको लेके जाऊँगा। आप यहाँ से जो अटलांटिक ओशन का मंजर, ओए होए 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 होए, आप बोट्स रेंट करें और गर्मी में जो है ना इधर के मज़े लें। एक बात है वैसे यार, आप यहाँ पर जितनी मर्जी दफाएं और जितनी मर्जी दफा आप इन चीजों को देख लें, यू कैन नेवर गेट यूज्ड टू दीज थिंग्स। मैं यहाँ पर इतनी दफा आ चुका हूँ और अभी भी मैं जब यहाँ पे आता हूँ ना कभी भी, तो आई एम स्टिल इन ऑ, और उनको देख के मैं कहता हूँ यार क्या बात है यार, कितना खूबसूरत है ये मंजर। अच्छा जी, तो मैं पहुंच गया हूँ आइजनहावर पार्क के बिल्कुल सामने, ये बोर्ड भी नज़र आ रहा है आपको, मैं मुड़ता हूँ इसकी तरफ। यहाँ पे एक दफ़ा मैंने एक क्रिकेट मैच देखा हुआ है, यहाँ पे क्रिकेट मैचेस होते हैं आइजनहावर पार्क में, लोकल लीग्स के, न्यूयॉर्क के, न्यू जर्सी के। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा एक मैच खेला हुआ, ये बीच में आपको नज़र आ रहा है, ये उस वक्त का है जब यहाँ पे कोई स्टेडियम वगैरह कुछ भी नहीं था और ये बीच में पिच है, और साइड पे जो नज़र आ रहा है वो एक एक्वेरियम है बहुत बड़ा। तो देखते हैं, वैसे तो मुझे कोई स्टेडियम नज़र तो नहीं आ रहा, अब ये मेरी राइट साइड पर आएगा, आ गई है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ स्टेडियम कुछ स्टैंड वैन नजर आने शुरू हो गए। वैसे अच्छा, तो मैं पहुंच गया हूँ उस पार्ट पे जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है। मेरे सामने स्टेडियम है, मेरे पीछे भी आपको नजर आ रहा होगा। मुझे बड़ी हैरत हो रही है क्योंकि यहाँ पे तो स्टेडियम का नाम और निशान नहीं है, कुछ ढांचा खड़ा है उसका। तो चले इसके पास चलते हैं। मैच जो है ना वो तो तकरीबन 7-8 हफ्ते में होने वाला है। ये इधर क्या चल रहा है भाई, इधर तो स्टेडियम तो बिल्कुल ही नहीं है तैयार। चले थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उधर जाए। इधर उन्होंने ट्रैफिक बंद की है, आप देख लें, नो कंस्ट्रक्शन की ट्रैफिक है तो सब कुछ बंद किया हुआ है। चले इस तरफ चलते हैं, ये देखिए स्टेडियम, ये तो ढांचा खड़ा है यार, इधर तो कुछ भी नहीं है। ये 6-7 हफ्ते में ये कैसे स्टेडियम तैयार होगा, आई डोंट नो। ICC क्या कर रही है भाई, इन्होंने पूरे जंगले इधर लगाए हुए हैं और कुछ भी नहीं है, अंदर नहीं जाने दे रहे क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो हर जगह पे उनमोकी है। अरे कंस्ट्रक्शन का सामान देखिए आप, पहले मैं ड्रोन उड़ाता हूँ, ड्रोन चुप करके उड़ाऊँगा क्योंकि इजाज़त नहीं है। ये देखें सारा कंस्ट्रक्शन का सामान इधर है, और ड्रोन से देखता हूँ कि क्या हालत है ग्राउंड की, ग्राउंड क्या प्रिपेयर्ड है कि नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ग्राउंड कोई प्रिपेयर्ड शिपेयर्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा। अच्छा, मैं बड़ी उम्मीदें लेके यहाँ पे आया था कि इस ग्राउंड में स्टैंड्स में जाके बैठूंगा और
तसव्वुर करूंगा कि उस एंड से जो है ना शाहीन अफरीदी आएगा, उस एंड से विराट कोहली छक्का मारेगा और होगा। इधर देखो तो इधर तो मोए मोए है यार सारा, इधर तो कुछ भी नहीं कंप्लीट। आप देख लें कंस्ट्रक्शन के बैग्स पड़े हुए, रेत पड़ी हुई है, ठीक है, ग्राउंड में ग्रास नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या ग्रास तो नहीं उग सकती 6 हफ्ते में? इसके अलावा जो कंक्रीट है वो तो 6 हफ्ते में सूखेगी भी नहीं, उस पर लोग कैसे चढ़ेंगे, ये स्टैंड कैसे तैयार होंगे? मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मोए मोए ना हो जाए। यकीन करो ये प्रोग्राम यूँ मुझे लग रहा है जैसे बढ़ जाएगा। देख लें बिल्कुल कुछ भी नहीं प्रिपेयर्ड, और यहाँ पे ये ऐसा भी नहीं है कि कोई कोई हलचल नज़र आ रही हो, कोई जल्दी हो, किसी को लाइटें लगा के रात को काम हो रहा हो। आप एक्सपेक्ट करेंगे ना कि जो ना जल्दी है, क्योंकि 8 हफ्ते में एक इंटरनेशनल मैच होने वाला है और इतना बड़ा हाई प्रोफाइल जिसको 2 बिलियन लोग देखेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो स्पेशल वो कुछ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बंदे ना बंदे की ज़ात है इधर, तो आई डोंट नो कि ये कैसे तैयार होगा। हमें तो ये बताया गया था कि भाई 35,000 लोग इस स्टेडियम में बैठेंगे, आप विकिपीडिया पे जाके देख लो, इधर उधर उनके प्रेस रिलीजेस जाके देख लो, तो यूँ लगता है जैसे कोई बहुत ही बड़ा स्टेडियम बनने वाला है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनने वाला है। लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही मोए मोए है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही प्रोग्राम बड़ा हुआ है। और दूसरा यहाँ पे मुझे कोई पार्किंग भी नज़र नहीं आ रही। अगर लोग मैच देखने यहाँ पे आएंगे और 35,000 है, 35,000 की उन्होंने वो कैपेसिटी शो की हुई है, तो वो पार्किंग कहाँ करेंगे? एक तो टिकट किसी को मिले नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे कि उसकी ओवर सब्सक्रिप्शन हुई हुई है। 35,000 की कैपेसिटी है 35,000 की, और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, तो उसको लो, उसके लिए फिर उन्होंने रैफल की, अब रैफल में कुछ लोगों को टिकट मिले, हम जैसे को तो नहीं मिले, हमने तो बड़ी कोशिश की है। और कहने सुनने में ये आ रहा है कि जो टिकट होंगे वो तकरीबन 1,000 से लेकर $2,000 तक के बीच में होंगे। लेकिन ये क्या है भाई, ये क्या है? इधर तो कोई स्टेडियम नहीं है, इधर तुम हम इधर पिट्ठू गरम खेल सकते हैं आप, ठीक है ना, मैं ला के पिट्ठू गरम भी खेलूँ ना तब भी भागने में ना भाग गिर जाऊँगा, वो इतने बड़े बड़े खड्डे नज़र आ रहे हैं उधर ग्राउंड में सामने से। दूसरा ये है काफ़ी छोटा, वैसे हमने तो पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस देखे हैं और वो इस तरह नहीं थे, वो तो काफ़ी बड़े स्टेडियम होते थे। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है या नहीं है आई डोंट नो। यहाँ पे तो पाकिस्तान के 4-5 मैचेस हैं, एक टिकट तो मुझे मिला हुआ है पाकिस्तान और कनाडा का, यहाँ पे खेला जाएगा, आई डोंट नो, मुझे पैसे वापस लेने चाहिए, क्योंकि इधर तो कुछ ही नहीं कुछ और है भाई, यहाँ पे तो सिर्फ खड्डे हैं और मड है और कुछ भी नहीं है, ग्राउंड तो बिल्कुल ही नहीं प्रिपेयर्ड। 8 हफ्ते में ये सारा कैसे होगा, ये ICC को जवाब देना पड़ेगा। वैसे अभी मैंने देसी भाई देखे हैं, वो यहाँ पे आके तस्वीरें खिंचा रहे थे इसके साथ, लेकिन क्या ढांचे के साथ तस्वीरें खिंचा रहे हो, यहाँ पे तो स्टैंड भी नहीं बने हुए। अच्छा अब चलते हैं, मैं जो है ना इस वक्त शाम हो गई है तो चलते हैं और कुछ खाने वाने का करता हूँ। मैं आपको वो स्पॉट दिखाता हूँ जहाँ से मैं न्यूयॉर्क सिटी आता हूँ। वैसे तो ये न्यूयॉर्क सिटी नहीं है, ये न्यूयॉर्क सिटी से बाहर है, ये लॉन्ग आइलैंड है, लेकिन अब न्यूयॉर्क सिटी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो मैं आपको वो स्पॉट दिखाता हूँ जहाँ से मैं अक्सर बर्गर खाता हूँ, और ये न्यूयॉर्क के मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन हलाल बर्गर्स हैं। ये मलेशियन या इंडोनेशियन कोई आउटलेट है, तो चलें उधर चलते हैं, बड़े मज़े के होते हैं, बड़े शानदार होते हैं। चलें फिर गाड़ी में बैठते हैं। मुझे तो वैसे फ़िक्र हो रही है कि हमारा जो है ना, हमने जो इतना प्लान करके किया हुआ है ना कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, ये सारा फ्लॉप ना हो जाए यार। चले देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो जी हम पहुंच गए हैं, चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा तो ये है वो रेस्टोरेंट ताओ ग्रास बर्गर। इधर की ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे जो पैटी होता है बर्गर, वो बकौल इनके ग्रास फैट बीफ का होता है, हलाल होता है। अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है कि वो जानवरों को ग्रास खिलाते हैं या ऑर्गेनिक फूड खिलाते हैं। अब तक तो ये अपने जानवरों को यूजुअली मॉडिफाइड फूड देते थे, लेकिन अब उसके नुकसान सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये अब जानवरों को पाकिस्तान और इंडिया की तरह जो है ना चारा खिलाने लग गए हैं या ग्रास खिलाने लग गए हैं। लेकिन ऐसे जानवर का गोश्त महंगा होता है, क्योंकि इसके लिए चारा लाना होता है, चारा उगाना होता है और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और ये बर्गर भी ग्रास फेड एनिमल के गोश्त के हैं, इसलिए थोड़े महंगे थोड़े मज़ेदार हैं। ये छोटा सा है लेकिन ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है, तो चलो अब मेन्यू देखते हैं। You don't mind me taking a video, right? Okay. Hi, how are you? Good, how are you? Where are you from? I'm from Nepal. Nepal?
Wow. Look like you're from Pakistan. Yes, we are. Okay. Everything is halal, right? Cool. Well, I've been coming here for a while, so. Okay, so you dekhne. You know Hindi, right? Yeah, I understand. Yeah, okay. Which place in Nepal are you from? I'm from Kathmandu. Kathmandu. So ये छोटा सा रेस्टोरेंट है बड़ी ज़बरदस्त वाइब है इसका और ये सर्टिफाइड वो है हलाल है अमेरिका में जब हम हलाल फूड ढूंढते हैं ना तो एक वेबसाइट है जिसको हम zabiha.com कहते हैं वहाँ से ढूंढते हैं खैर लेकिन अब गूगल में भी आ जाता है कि हलाल है या नहीं है तो ये देखें छोटा सा है और लोग मज़े लेके खा रहे हैं अच्छा तो जो कोबी बर्गर मैंने ऑर्डर किया है वो एक्चुअली वो वाग्यू मीट का है वाग्यू मीट का तो आपको पता होगा ना कि दुनिया का सबसे महंगा तरीन मीट समझा जाता था अभी सब कुछ अर्से पहले लेकिन अभी उसकी काफ़ी फार्मिंग शुरू हो गई है तो वो हर जगह पे मिलता है उसमें फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और उसमें बड़ी कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त मार्बलिंग होती है तो मुझे यहाँ का वाग्यू जो बर्गर है बड़ा ज़बरदस्त लगता है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में मिलता है लेकिन उनको कोई ख़ास मज़ा नहीं होता वाग्यू मीट जो होता है वो मैंने अच्छा बर्गर वाग्यू में मैंने उधर खाया था अबू धाबी में एक दफ़ा वो बड़ा ज़बरदस्त था बाकी दुबई के तो बर्गर ऐमी से हैं मेरे पिछले ब्लॉग देख लें मैं कुछ ज़्यादा मुतासर नहीं हूँ उनके वेस्टर्न खानों से हाँ कुछ ब्लॉगर जैसे RHS वगैरह हैं ये लोग उनको अच्छी जगह पता थी मुझे नहीं पता थी शायद उधर के बर्गर ज़्यादा अच्छे हों Over there? Okay. Okay. Thank you so much. जनाब हमारा बर्गर आ गया वाग्यू मीट का और ये इनके जो फ्राइज़ हैं इनको ये मसाला फ्राइज़ कहते हैं अच्छा ये बर्गर में आप देख लें तो ये तो अचार के थोड़े टुकड़े होते हैं जिसको आप ऊपर डाल सकते हैं और ये इधर स्विस चीज़ है क्योंकि मुझे स्विस चीज़ अच्छी लगती है और ये है वो फेमस वाग्यू मीट कहते हैं इसमें चर्बी कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है तो चले खा के देखते हैं आपको भी बताता हूँ कि आज कैसा है इसका टेस्ट मैं वैसे बड़े अरसे बाद ये खा रहा हूँ कोविड के टाइम हम इस रेस्टोरेंट में बहुत आते थे अच्छा जनाब तो ये बर्गर देखो यार इसको वो करो ये अच्छा खासा जूसी है वैसे मैं आपको एक टुकड़ा निकाल के दिखाता हूँ इसका देखें ये जूस देखो आप ओए होए होए टपक रहा है ये देखो टपक रहा है जूस ओए होए 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 अच्छा इसके साथ मैंने अपने लिए ये जिंजर एल मंगवाया इनका जिंजर एल बड़ा डिफरेंट होता है ये जूसी बर्गर देखो यार इसको मैं प्रेस करता हूँ ना ये देखो जूस टपक रहा है ओए होए 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 बड़ा मज़ेदार होता है एक सेकंड वाओ बहुत ज़बरदस्त है यार वाओ मज़ा आ गया इसके साथ ही आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया हो और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिए सी यू नेक्स्ट व्लॉग अल्लाह हाफिज Are you going to subscribe? Yeah, I did already. You're the best.